हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड, रेडी फॉर स्टडी बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नेम है म्यूजियम्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया के म्यूजियम्स कहाँ कहाँ पर है वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो मेन मेन म्यूजियम्स है उनसे रिलेट करते हुए। तो फर्स्ट वर्ड समझ लेते हैं बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ, ठीक है, कल्चर से रिलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। हेरिटेज क्या होता है? वो भी हिस्ट्री से बिलोंग करता हुआ होता है, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, अपना कल्चर हो गया, तो जो भी अपना ओल्ड है तो उससे रिलेट करते हुए हम उसको बोलते हैं हेरिटेज। एंटिक क्या होता है? एंटिक होता है ओल्ड एंड वैल्यूएबल जो थिंग्स होती है उनको एंटिक बोलते हैं। एग्जिबिट में क्या होता है? एग्जिबिट के अंदर भी जो पूरा कल्चर होता है, ठीक है, पुराना कल्चर, उसकी संस्कृति, उससे बिलोंग करता हुआ एग्जिबिट। सिमुलेटर, सिमिलर होना, ठीक है, कोई चीज आपकी ओल्ड चीज है उसको एक रियल लुक देना कि वो रियल जैसी लग रही है, इट इज कॉल्ड सिमुलेटर। सो लेट्स बिगिन बच्चों। अ म्यूजियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, इट गिव्स अस अ ग्लिम्प्स इनटू आवर पास्ट थ्रू अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक फोटोग्राफ्स, आर्टिफैक्ट्स, स्टैचूज, कॉइन्स, वेपन्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, पॉटरी, फर्नीचर एंड मोर। इट होल्ड्स द की ऑफ द कंट्रीज हिस्टोरिकल, कल्चर, आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक पास्ट। सो अ म्यूजियम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ आवर नेशनल आइडेंटिटी। इट शोकेस डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर इन पर्टिकुलर। दिस इज द रीजन दैट वी शुड विजिट डिफरेंट म्यूजियम्स सो वी कैन फील प्राउड ऑफ आवर रिच ट्रेडिशंस। अ म्यूजियम इज एस्टेब्लिश्ड ऑफ focus on the country's socio-cultural activities, entertainment of people, dissemination of information, preservation of natural heritage and strengthening national unity, because it is an important place to educate posterity about different aspects of life that the country has experienced in the educate posterity about different aspects of life that the country has experienced in the bygone times. At present, there are over 400 museums located in different districts spread over the strength, length and breadth of the country. We shall discuss only a few of them. So students, यहाँ पर म्यूजियम चीज क्या है? जो म्यूजियम होता है बच्चे, वो एक स्टोर केस की तरह है, ठीक है, जिसके अंदर हम चीजों को स्टोर करते हैं, वैसा एक स्टोर हाउस की तरह है। लेकिन वो स्टोर किस चीज का है? नॉलेज का। ओके, अ म्यूजियम इज अ स्टोर हाउस of knowledge, और ये हमें देता है glimpse into our past through a variety of objects. Glimpse क्या होता है बच्चे? झलक। ओके, सो झलक दिखाता है हमारे past की, variety of objects की, जिसमें photographs होते हैं, कोई artifacts होते हैं, statues लगे होते हैं, coins होते हैं वहां पर, weapons होते हैं, weapons क्या होता है? हथियार। ओके, coins सिक्के, तो इस तरह से वहां पे और बहुत सारी चीज होती है, क्लोथ्स होते हैं, ज्वेलरीज है, पॉटरी, फर्नीचर है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर शोकेस की जाती हैं उस स्टोर हाउस के अंदर। और ये क्या है? ये बच्चे की है टू द कंट्रीज हिस्टोरिकल, उसका कल्चर कैसा था हमारा, आर्टिस्टिक कैसे थे, साइंटिफिक पास्ट क्या रहा है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का। तो म्यूजियम के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम नेशनल आइडेंटिटी का एक पार्सल के रूप में इसको प्रेजेंट करते हैं। ये शोकेस है डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज का, कि कैसे अपने अपनी हिस्ट्री को, ठीक है, हमने अपनी हिस्ट्री से सीखते हुए हमने कैसे डेवलपमेंट किया है, अपना कल्चर किया है ना, कल्चर को भी तो डेवलप करते आए हुए हैं, तो इन चीज़ों को हमने सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, ये हमें सीख देते हैं और चीज़ों को नॉलेज भी देते हैं कि जब हम उनसे जाते हैं, उनको देखते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, एक प्राउड फील कराते हैं कि हमारी हिस्ट्री में ये था, ये ट्रेडिशन चीज थी, तो ये सब चीजें हमें गर्व महसूस कराते हैं, प्राउड फील कराते हैं। जो म्यूजियम है बच्चे, वो एस्टेब्लिश्ड होते हैं जिसके अंदर फोकस किया जाता है कंट्री के सोशियो कल्चर एक्टिविटीज पर, एंटरटेनमेंट के लिए, जो लोगों का एंटरटेनमेंट है उसके लिए, और साथ में डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व किया जाता है, संभाल के रखा जाता है नेचुरल हेरिटेज को, स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है बच्चे जहां पर आपको सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज आप सीखते हो वहां पर, एक्सपीरियंस लेते हो पास्ट टाइम का। प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में अगर बात करें बच्चे, यहां पर
400 म्यूजियम्स लोकेटेड हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे 400 म्यूजियम लोकेटेड हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और फैले हुए हैं अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर, ब्रेथ के बेस पर कंट्री के अंदर। अब उन्हीं से रिलेट करते हुए हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे, फ्यू ऑफ देम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज द इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कोलकाता के अंदर कौन सा म्यूजियम है जिसका नाम है द इंडियन म्यूजियम बोला हुआ है। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं और ये कब स्टार्ट हुआ था, कब यहाँ पर और चीजें क्या क्या रखी हुई हैं, उससे रिलेट करते हुए हमें क्या क्या सीखने को मिलता है उनसे। तो लेट्स बिगिन बच्चों, इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया एंड इज ऑल्सो द 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। It was established in 1814 and was shifted to its present location in 1878. The museum has over 60 galleries spread over an area of 10,000 square feet and the houses a rare collection of artifacts of Indian and trans-Indian origin. It is founded by the Department of Culture and Government of India. तो यहां पर ये सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम है बच्चे इंडिया का। तो अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि हम और भी डिस्कस करने वाले हैं ना अदर अदर म्यूजियम्स के बारे में, लेकिन क्वेश्चन आता है सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट म्यूजियम इंडिया का कौन सा है, तो आप बताने वाले हो कोलकाता के अंदर है द इंडियन म्यूजियम, ओके। और यहां पर 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वहां पर एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अगर बात की जाए वर्ल्ड के अंदर तो इसका स्थान, इसकी जो प्लेस है वो कौन से नंबर पर आती है बच्चे, 9th, ठीक है, 9 नंबर पर आती है। और ये लार्जेस्ट म्यूजियम है एशिया पैसिफिक रीजन का वर्ल्ड के अंदर। ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ बच्चे 1814 के अंदर, ओके, तब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था एंड वॉज शिफ्टेड टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। अभी आज के टाइम में इसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात की जाए तो 1878 में जहां पर है तो वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया, तो वहां से लगाया जाए तो इसका सन कौन सा है बच्चे, 1878 के अंदर। और इस म्यूजियम के अंदर हैज ओवर 60 गैलरीज है जो फैली हुई है, कितनी दूर में, एरिया ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट, ओके, तो इसका एरिया है यहां पर। और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो इट इज फाउंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट गैलरीज डिस्प्लेज रेयर आर्टिफैक्ट्स लाइक कॉइन्स, पॉटरी, टेक्सटाइल्स, स्टैचूज, स्कल्पचर्स एंड इज वेरी पॉपुलर फॉर द कलेक्शन ऑफ इट आर्टिफैक्ट्स ऑन गोडेस दुर्गा एंड द बुद्धा। अ स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस म्यूजियम इज दैट यू कैन स्टिल सी मैनी ऑफ इट्स आर्टिफैक्ट्स विदाउट हैविंग टू फिजिकली विजिट कोलकाता। दिस यू कैन डू ऑनलाइन, जस्ट विजिट इट्स पेज एंड टेक अ टूर ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट थ्रू इट्स गैलरीज। सो यहाँ पर जो गैलरी बनी हुई है बच्चे, गैलरी जो डिस्प्ले है वहां पर रेयर आर्टिफैक्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, कॉइन है, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर, कॉइन, टेक्सटाइल, पॉटरी, स्टैचू, स्कल्पचर्स और इस सब चीजों के लिए पॉपुलर है। और इसमें मेन कलेक्शन किस चीज का है, कलेक्शन ऑफ इट्स आर्टिफैक्ट्स ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड बुद्धा, ओके, तो गॉडेस दुर्गा एंड बुद्धा। अ स्पेशल फीचर ऑफ द म्यूजियम इज कि आप इसको कैसे देख सकते हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, आपको फिजिकली वहां पर विजिट करने की जरूरत नहीं है कोलकाता के अंदर, जस्ट यू कैन डू ऑनलाइन और जस्ट विजिट इट्स पेज और टेक अ टूर ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट थ्रू इट्स गैलरीज। नेक्स्ट है बच्चे नेपाल म्यूजियम तिरुवंतपुरम, तो इसके बारे में भी, इसकी खासियत के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या इसके अंदर स्पेशल है और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो दिस म्यूजियम वॉज ऑरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1857, ओके, 1857 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है बच्चे। However, its building was not big enough to display all its artifacts, so it was pulled down and a new building was constructed at its present site in 1880.
दिस म्यूजियम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम लॉर्ड नेपियर हु वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसीज देन लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी क्वाइट क्लोज टू द ज़ू द म्यूजियम ऑफर्स एन एरे ऑफ आर्टिस्टिक कल्चर एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्राइजिंग स्कल्पचर्स इन ब्रोंज एंड स्टोन कार्विंग ऑफ वुड एंड आइवरी लैम्प्स टेक्सटाइल्स and Kathakali models the coins representing different dynasties of South India. It also displays a variety of statues of Shiva, Vishnu, Parvati and Lakshmi. Each object in the museum is unique and is a joy to watch from near. You will learn from here that image making has been practiced in South India from very old times. The oldest image here belongs to the 8th century AD. An important artifact of the museum is a sword belonging to Velu Thapthi Dhalwa, who was the first martyr of the Indian freedom struggle. And the sword is proudly displayed in the central hall. So, यहाँ पर बच्चे म्यूजियम के बारे में हमने एस्टेब्लिशमेंट देखा तो एस्टेब्लिश्ड आपने देखा 1857 के अंदर इस बिल्डिंग में और भी जो म्यूजियम के बच्चे बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग के अंदर और क्या चीजें है वॉज नॉट बिग मतलब ऐसा नहीं है डिस्प्ले के लिए उसको बहुत सारी चीजें बनाई हुई है काफी बड़े एरिया काफी कवर किया है वहां पर ऐसा नहीं है जस्ट वहां पर इट वॉज पुल्ड डाउन एंड न्यू बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड इट्स प्रेजेंट साइट इन 1880 में ठीक है अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें जाए तो 1880 के अंदर इसकी एक न्यू बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है जो म्यूजियम है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं मेन इनके नाम की बात कर ले जाती है तो इसका नाम किससे पड़ा हुआ है तो इसका नाम पड़ा हुआ है लॉर्ड नेपियर के थ्रू और वो कौन थे बच्चे वो थे गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ठीक है इनका याद रखेंगे किसके नाम से उनका नाम पड़ा है ठीक है क्यों इस म्यूजियम का नाम सिर्फ नेपियर म्यूजियम ही क्यों रखा गया क्योंकि ये किसी का नाम था और उनका नाम था लॉर्ड नेपियर और वो थे गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ओके और इनको माना जाता है लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी और इसको कि मतलब ये हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर ही लोकेट है और जू इसके साथ में ही है ठीक है जू के पास में ये लोकेट है जो ये म्यूजियम है ऑफर्स करता है एरे ऑफ आर्टिस्टिक कल्चर को एंटिक ऑब्जेक्ट्स को ठीक है ये सब चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर स्कल्पचर्स इन ब्रोंज एंड स्टोन कार्विंग ऑफ वुड आइवरी लैम्प्स टेक्सटाइल्स खाथकली मॉडल्स ये सब चीज़ें ठीक है ये आपको सब चीज़ें मिलती है बच्चे यहाँ पर यहाँ पर जिनकी बात की गई है जो मॉडल्स है ना कथकली मॉडल्स जिनकी बात की गई है तो वहां पर वो पहले से ही वो प्रेजेंट करती हैं कि वो जो कथकली जो सॉन्ग है या फिर उस पर जो एक प्रॉपर तरीके से डांस किया जाता है तो वो कितना पास्ट टाइम से अभी तक फॉलो हो रहा है ना डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया के अंदर और भी चीजें डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्टैचूज भी रखे हुए हैं यहाँ पर जैसे शिव के स्टैचूज हैं विष्णु के हैं पार्वती जी लक्ष्मी तो इन सब के स्टैचू भी वहाँ पर हैं जो ये म्यूजियम है काफ़ी यूनिक है बच्चे एंड जॉय ऑफ वॉच फ्रॉम नियर और भी इनसे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी लाइक इमेज मेकिंग और इमेज मेकिंग का किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी साउथ इंडिया के अंदर ओल्ड टाइम से लेकर है ना ओल्ड टाइम से इसकी प्रैक्टिस अभी तक चली रही है ओल्डेस्ट इमेज है यहाँ पर जो बिलोंग करती है 8th सेंचुरी एडी के लिए ओल्डेस्ट सबसे पुरानी इमेज ठीक है 8th सेंचुरी से जो है एन इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट ऑफ म्यूजियम इज अ स्वॉर्ड स्वॉर्ड क्या होती है बच्चे तलवार ठीक है स्वॉर्ड को याद रखेंगे ये तलवार है किसकी मार्टियर की मार्टियर कौन होते हैं योद्धा ओके जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया था ओके तो इनका नाम क्या है थम्पी धालावाला ठीक है उनकी स्वॉर्ड है वो प्रेजेंट करती है कि ये फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिया था और वो डिस्प्ले करती है प्राउडली इन द सेंट्रल हॉल के अंदर देयर आर ऑल्सो अदर अट्रैक्शन क्लोज टू द म्यूजियम लाइक द जू एंड अ चिल्ड्रंस पार्क वहां पर और भी चीजें जैसे अभी हमने कहा कि जू के पास में म्यूजियम तो जू है और एक चिल्ड्रन पार्क भी वहां पर बना हुआ है नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चे नेशनल रेल म्यूजियम जो दिल्ली के अंदर है ओके सो रेलवे इज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री एंड इज द लाइफ लाइन ऑफ अवर इकोनॉमी इट्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग द रेलवे स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया इन 1853 एंड एवर सिंस इट हैज ग्रोन टू द प्रेजेंट लेवल वंस
steam engine was its workhouse, but today modern engines run on diesels and electricity from the backbone of the railway. So it is appropriate to know more about them, and this can be done by visiting the museum solely devoted to it. So railway museum, ये important क्यों है? Important है mode of transport के लिए, country के लिए जाना जाता है, क्योंकि रेल से पता चल रहा है ना, ट्रेन की बात हो रही है बच्चे यहाँ पर. तो जो ट्रेन है वो क्या होता है, वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो उसका एक अलग से म्यूजियम बनाया गया है, ओके, ताकि हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि हमें पता है जितना भी बच्चे जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो हिस्ट्री के अंदर ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था. तो ये जानकर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है, जब हमें पता चलता है अच्छा पहले इस तरह की ट्रेन चलती थी, कोयले से चलती थी, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, चेंज हो चुका है. तो यहाँ पर बात करेंगे कि रेलवे जो स्टार्टेड हुई थी, इट्स ऑपरेशन इन इंडिया 1853 के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी बच्चे, 1853 में स्टार्ट हो चुकी थी, ओके. और अब प्रेजेंट लेवल में इसकी और ग्रोथ हो गई है, मतलब इसको धीरे धीरे और अच्छा डेवलप और अच्छा इसका रूप दिया गया है. जो इंजन थे पहले स्टीम इंजन होते थे, ठीक है, और अब के टाइम की बात की जाए मॉडर्न इंजन की, वो चलते हैं डीजल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ओके, फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द रेलवेज. सो एप्रोप्रिएट हमें यहाँ पर जानने की क्या जरूरत है बच्चे, कि दिस कैन बी डन बाय विजिटिंग द म्यूजियम सॉली डिवोटेड टू इट. द नेशनल रेल म्यूजियम इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. इन फैक्ट इट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एज द रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम एंड वॉज इंटोग्रेटेड इन 1977. But it was brought into its present from 1995. Devoted to the railway full phase, the museum covers a land area over 11 acres and its indoor gallery comprises an elegantly designed octagonal buildings, houses 6 display galleries and a large open area laid out to stimulate the atmosphere of a railway yard. तो यहाँ पर नेशनल रेल म्यूजियम की बात की जाए, इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. मतलब इस तरह का म्यूजियम अगर रेल के लिए सोचा गया तो ये फर्स्ट म्यूजियम ही है, ठीक है, जो ट्रेन एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया गया. इट वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लिश किया गया था इसको एज अ रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के रूप में. और इसका इनोग्रेटेड कब हुआ बच्चे, ये इनोग्रेट हुआ 1977 के अंदर, ओके, 1977 के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया और ब्रॉड इन टू इट्स प्रेजेंट फ्रॉम इन 1995 के अंदर. ये डिवोट करता है रेलवे फुल फ्लैश को. ये म्यूजियम है, ये लैंड एरिया को भी कवर करता है बच्चे, लेकिन ये कितना एरिया है, ओवर 11 एकर्स, एंड इट्स जो इंडोर गैलरीज है वो कॉम्प्राइजेज एन एलिजेंटली डिजाइंड ऑक्टेजनल बिल्डिंग हाउसेज 6 डिस्प्ले गैलरीज एंड अ लार्ज ओपन एरिया जो वहाँ पर फैला गया है बच्चे, मतलब एक एरिया जो फैला हुआ है वो क्या दिखाता है, स्टिमुलेट द एटमोसफेयर ऑफ अ रेलवे यार्ड को. द म्यूजियम कलेक्शन कॉम्प्राइजेज लाइफ साइज एग्जिबिट्स एंड अदर रेलवे कॉम्पोनेंट्स इन द कंट्री. इट हाउसेज लोकोमोटिव्स एंड द कोचेज फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स अक्रॉस द इंडियन. सो यहाँ पर म्यूजियम जो कलेक्शन है, ठीक है, म्यूजियम के अंदर बहुत सारी कलेक्शंस है, वो कॉम्प्राइज करती है लाइफ साइज एग्जिबिट्स को, कि हमारा जो हिस्ट्री का कल्चर है, ठीक है, उसके अंदर कैसे कैसे डेवलप आया है, वो पहले कैसा था, उसको शो करती है, रेलवे कंपोनेंट्स को शो करती है कंट्री के. और एट हाउसेज ये क्या करती है, एट हाउसेज लोकोमोटिव्स एंड कोचेज, कि वहाँ पर जो ट्रेन के डब्बे होते हैं ना अलग अलग, वो कब से, तो फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट से वो चले हुए हैं, मतलब तभी वो बन चुके थे जब प्रिंसली स्टेट यहाँ पर थी. अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज अपग्रेडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम. द म्यूजियम ऑल्सो हाउसेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेल स्टिमुलेटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट्स 3D वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी टेक्स अ विजिटर बैक इन टाइम. इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस बींग हेयर. सो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर बच्चे, जो प्रिंसली स्टेट थी तब से यहाँ पर कोचेज वगैरह किस तरह से बन गए थे, जो रेलवे के डब्बे होते हैं ना, रेल के डब्बे आपने देखे होंगे, उनको कोचेज बोलते हैं बच्चे, वो रेडी हो चुके थे. तो सब कॉन्टिनेंट थे तब, तभी भी रेडी हो चुके थे. तो बताया है कि कितने पास टाइम से वो सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होती चली गई, अपग्रेड होती चली गई फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, और उसके अंदर और सुधार होता चला गया और अच्छे बनते चले गए. और जो म्यूजियम है ऑल्सो हाउसेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेल यहाँ पर हैं,
ठीक है, वर्ल्ड के अंदर एनीवेयर जहां पर भी आप देखते हो वर्ल्ड के अंदर किस किस तरह की ट्रेन थी, तो वहां पर सभी प्रेजेंट है, वहां पर आप देख सकते हो जाकर। और इट्स 3D वर्चुअल रियलिटी है टेक्नोलॉजी जो देती है, टेक्स अ विजिटर बैक इन टाइम, कि वो विजिटर्स वहां पर बार बार आए और देखे, ठीक है, और अपनी जो पास्ट मेमोरीज हैं, जो पास्ट जो चीज़ें हैं हमारे हिस्ट्री में भी चीज़ें थी, उनको भी देखकर कुछ सीखने को उनको मिले। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस बीइंग हियर। ओके, सो नेक्स्ट इज द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स। सो कैलिको म्यूजियम के बारे में, टेक्सटाइल का म्यूजियम है बच्चे, टेक्सटाइल के बारे में यहाँ पर इस म्यूजियम में और क्या क्या चीज़ें खासियत हैं, कब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो इसमें रीड आउट करेंगे। द म्यूजियम वॉज फाउंडेड बाय द गौतम साराभाई, हिज सिस्टर्स गीरा साराभाई एंड द इंडस्ट्रियल्स हाउसेज ऑफ कैलिको इन 1949। मेनली डिवोटेड टू टेक्सटाइल्स, इट ऑल्सो डिस्प्लेज स्क्वायर्ड ब्रोंज इमेज फ्रॉम साउथ इंडिया, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, इंडियन मैनिक्योर पेंटिंग एज वेल एज अदर आर्ट्स। हाउएवर टेक्सटाइल्स रिमेन इट्स मेन अट्रैक्शंस। बिल्ट इन अ हेरिटेज style, the museum present a tasteful displays of the buildings. It is divided into two parts. The first part is the Haveli, which displays our religious textiles, bronze images, Mughals and other miniature paintings. The second part is Chowk, which displays royal tents, carpets, furnishing and customs of the Mughal and regional royal courts. It also displays the textiles which were exported and shows our ethnographic textiles. So, यहाँ पर बच्चे क्या बताया गया है कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स के बारे में, के फाउंड किसके थ्रू हुआ था, द म्यूजियम वॉज फाउंडेड बाय गौतम साराभाई और उनके सिस्टर के थ्रू, जिनका नाम था गीरा साराभाई। ओके, एंड इंडस्ट्रियल हाउस ऑफ कैलिको इन 1949 में ये एस्टेब्लिश्ड किया गया, इसको फाउंड किया गया। मेनली यहाँ पर टेक्सटाइल की चीजें हैं बच्चे जो डिस्प्लेज होती हैं, स्क्वायर ब्रोंज इमेज ऑफ साउथ इंडिया के बारे में दिखाती हैं, यहाँ पर जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में है, स्कल्पचर्स दिखाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, आर्ट्स यहाँ पर है, अगर आप जाएंगे तो सब चीज़ों को आप देखने को मिलेगी आपको। ये मेन जो टेक्सटाइल्स है वो वहाँ पर मेन अट्रैक्शंस बनता है। ओके, हेरिटेज जो स्टाइल्स है, म्यूजियम प्रेजेंट और टेस्टफुल जैसा हम चाहते हैं वैसा वहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है। जो म्यूजियम है बच्चे ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हवेली, फर्स्ट पार्ट क्या है हवेली, एंड सेकेंड जिसके फर्स्ट वाले में बात की जाए तो इसमें डिस्प्ले क्या है, रिलीजियस टेक्सटाइल्स है, ब्रॉन्ज इमेजेस है, मुगल्स हैं, ओके, इनकी सबकी पेंटिंग्स वगैरह वहां पर प्रेजेंट की गई हैं। सेकेंड पार्ट जिसको बोला जाता है चौक, इसके अंदर क्या क्या डिस्प्ले किया हुआ है, यहाँ पर डिस्प्लेज है रॉयल टेंट्स, कारपेट्स, फर्निशिंग्स एंड कस्टम्स ऑफ द मुगल्स एंड रीजनल्स रॉयल कोर्ट्स को डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर और भी चीजें डिस्प्ले की गई हैं टेक्सटाइल से रिलेट करती हुई, कि किस तरह से उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजा जाता था, और शोज करता है हमारा कैसे एथनोग्राफिक टेक्सटाइल्स को। नेक्स्ट म्यूजियम की बात करते हैं बच्चे, एयरफोर्स म्यूजियम्स, ये कहां पर है, पालम के अंदर न्यू दिल्ली में। सो द एयरफोर्स म्यूजियम इज फुल्ली डिवोटेड टू द इंडियन एयरफोर्स एंड हाउसेज अ रिच कलेक्शन ऑफ एग्जिबिट्स अबाउट द एयर आर्म ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज। इट इज मेनली डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट वाला एनेक्से एंड द सेकेंड वन इज हैंगर। द एनेक्से इज डिवाइडेड इंटू थ्री गैलरीज, द फर्स्ट ऑफ दीज डिस्प्लेज सम यूनिक फोटोग्राफ शोइंग सम ऑफ द आइकॉनिक ऑफिसर्स एज वेल एज हिस्टोरिकल ओकेजन्स। द सेकेंड एंड थर्ड गैलरीज ऑल्सो हाउस फोटोग्राफ्स अबाउट मोर ओकेजन्स ऑफ एविएशन हिस्ट्री एंड द ऑपरेशंस कंडक्टेड बाई इंडियन एयरफोर्स। द मॉडल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिक्राफ्ट एंड वेपनरी आर एडेड अट्रैक्शंस। The evolving Air Force uniform is also tastefully displayed. The children are most and more excited when they visit the hangar. It houses a total of 15 aircraft comprising transport, bomber and fighter varieties, showing the role our Air Force can play in war and peace. A visitor's spread in short high when he watches the photographs of flying the little grand called Sabre Slayers
ऑल्सो ऑन डिस्प्ले आर द बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स. देयर इज ऑल्सो अ मॉडल ऑफ स्वेज द स्पेसशिप इन विच द फर्स्ट इंडियन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वेंट इन टू द स्पेस. वी फील प्राउड ऑफ आवर एयरमैन वेन वी सी डिफरेंट पाकिस्तानी टैंक्स एयरक्राफ्ट एंड अदर इक्विपमेंट डिस्ट्रॉयड बाई अस इन डिफरेंट वॉर्स एंड ऑपरेशन. सो यहाँ पर बच्चे मेन जो पालम के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर एयरफोर्स वाला म्यूजियम है, इसमें क्या चीज़ें हैं? एयरफोर्स का तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर एयर से रिलेटेड है ना, वहाँ पर क्या होने हैं, प्लेन होती हैं, मिसाइल्स होंगी वहाँ पर, वो आपको देखने को मिलेंगी. तो वो सब चीज़ें वहाँ पर एयरफोर्स म्यूजियम जो है वो फुल्ली डिवोटेड करता है इंडियन एयरफोर्स को. ठीक है, उसका एक तरह से कलेक्शन ऑफ एग्जिबिट्स है वहाँ पर, और कैसे कैसे वहाँ पर एयर आर्म से रिलेट करते हुए, उनके नेम से रिलेट करते हुए, फोर्स से रिलेट करती हुई वहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट रखी गई हैं. और मेनली ये डिवाइडेड है बच्चे टू पार्ट्स के अंदर. ठीक है, पूरा एग्जीबिशन अगर बात की जाए, पूरा म्यूजियम, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोला गया है एनेक्से, एंड जो सेकेंड पार्ट है वो है हैंगर. जो एनेक्से है उसको भी थ्री पार्ट्स गैलरीज में डिवाइडेड किया गया है, मतलब थ्री गैलरीज में वो डिवाइडेड है. जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ दीज डिस्प्लेज, उसके अंदर कुछ यूनिक फोटोग्राफ्स शो की गई हैं. ठीक है, आइकॉनिक ऑफिसर्स की वहाँ पर लगाई गई है और हिस्टोरिकल ओकेजन्स की, तो फोटोग्राफ्स वहाँ पे लगी हुई है जो आप देख सकते हो. सेकेंड और थर्ड गैलरीज के अंदर वहाँ पर बच्चे उसके अंदर है फोटोग्राफ्स, लेकिन मोर ओकेजन्स ऑफ एविएशन हिस्ट्री से रिलेट करते हुए, ऑपरेशंस कौन से उन्होंने कंडक्ट किए हैं. ठीक है, एयरफोर्स के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं, मॉडल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट के बारे में, वेपनरी. ठीक है, बहुत सारी वेपनरी होती हैं कि वहाँ पर हथियारों से रिलेटेड वो चीज़ें एडिड करती हैं, कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्शन, मतलब हमें देखने में अच्छा लगता है वहाँ पर. और चीज़ें एवॉल्विंग एयरफोर्स म्यूजियम एंड यूनिफॉर्म इज टेस्टफुली डिस्प्लेड. वहाँ पर सब चीज़ें बहुत प्यारी तरीके से डिस्प्ले करी गई हैं. जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनको विजिट करने में अच्छा लगता है. ठीक है, कहाँ पर? मेनली हैंगर के अंदर. अब हैंगर के अंदर क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर टोटल ऑफ 15 एयरक्राफ्ट हैं. ठीक है, जो पीस के लिए रखे गए हैं, मतलब शांति के लिए 15 एयरक्राफ्ट वहाँ पर रखे गए हैं. और विजिटर्स वहाँ पर देखने आते हैं, उनको फोटोग्राफ्स देखते हैं किस तरह से फ्लाई किया जाता है, वो फोटोग्राफ देखते हैं वहाँ पर. और चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं एयरफोर्स के अंदर, कि जिसके अंदर हमें डिस्प्ले किया जाता है, बॉम्ब्स रखी हुई हैं, मिसाइल्स रखी गई हैं, मॉडल्स ऑफ द स्वेज रखे गए हैं, स्पेसशिप वहाँ पर हैं जो फर्स्ट इंडियन स्क्वाड्रन लीडर के थ्रू थी. वो कौन थे? राकेश शर्मा. ठीक है, नाम नहीं भूलेंगे इनका, राकेश शर्मा की. फर्स्ट टाइम वो गए थे ना, सो वेंट इन टू द स्पेस, क्योंकि फर्स्ट पर्सन थे वो इंडिया के. तो वो चीज़ें हम देखकर क्या फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं, उस एयरमैन को देखकर प्राउड फील करते हैं. और कैसे कैसे वहाँ पर डिफरेंट पाकिस्तानी टैंक्स वहाँ पर रखे गए हैं, एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पर, इक्विपमेंट रखे गए हैं जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे. किसके थ्रू? एयरफोर्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे. तो वो सब चीज़ें वहाँ पर हैं कि वॉर के अंदर ऑपरेशंस जो हुए हैं, कैसे हमने पाकिस्तान को हराया और उनके इक्विपमेंट हम लेकर आ गए हैं, और वहाँ पर हमने एयरफोर्स के अंदर म्यूजियम के अंदर उनको डिस्प्ले कर दिया गया है ना. तो इसको देखेंगे सारे म्यूजियम बच्चे, आप देख पा रहे हैं ना, सब म्यूजियम की अपनी एक अलग खासियत है. रेलवे म्यूजियम अलग होगा है ना, और हमारा जो स्क्रिप्चर हिस्टोरिकल जो है वो म्यूजियम वो अलग है. तो सबके अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी है. तो जाएंगे और विजिट करेंगे अच्छे से ना, उनको समझेंगे वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि जब जाएंगे तभी आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे. और वहाँ पर जाना, विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना, जरूर जाएंगे. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे, और इसे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.